हमारे सौर मंडल में जुपिटर का राज है। यह सबसे बड़ा ग्रह है, एक गैस का गोला जो बिना टेलीस्कोप के भी दिखाई देता है। इसकी मौजूदगी ने उस सौर मंडल को आकार दिया है जिसे हम जानते हैं। जुपिटर का गुरुत्वाकर्षण बल बाकी ग्रहों और पिंडों की कक्षाओं को प्रभावित करता है। जुपिटर का अध्ययन करने से हमें अपने ग्रह पृथ्वी के निर्माण की बहुमूल्य जानकारी मिलती है। जुपिटर का आकार समझना मुश्किल है। लगभग 87,000 मील व्यास के साथ यह पृथ्वी को बौना बना देता है। इसे समझने के लिए आप जुपिटर के अंदर 1300 से ज्यादा पृथ्वी समा सकते हैं। पृथ्वी और मंगल जैसे चट्टानी ग्रहों के विपरीत जुपिटर एक गैस का गोला है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं, जो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं। ये गैसें इसके घने वातावरण में घूमती हैं, जिससे वे प्रसिद्ध बैंड और तूफान बनते हैं जिन्हें हम देखते हैं। जुपिटर बहुत तेजी से घूमता है। ये अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर सिर्फ 10 घंटे से भी कम समय में पूरा कर लेता है। ये तेज गति इसके थोड़े छपटे आकार का कारण बनती है। जुपिटर पर एक दिन पृथ्वी के एक दिन से बहुत छोटा होता है। हालांकि जुपिटर को सूर्य की परिक्रमा करने में बहुत अधिक समय लगता है। जुपिटर पर एक वर्ष पृथ्वी के लगभग 12 वर्षों के बराबर होता है। जुपिटर का चुंबकीय क्षेत्र हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे मजबूत है। यह चुंबकीय क्षेत्र एक अदृश्य ढाल की तरह काम करता है, जो हानिकारक सौर हवा और विकिरण को रोकता है। चुंबकीय क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि यह अंतरिक्ष में बहुत दूर तक फैला हुआ है। यह आवेशित कणों को फंसाता है, जिससे ग्रह के चारों ओर तीव्र विकिरण बेल्ट बनते हैं। ये बेल्ट अंतरिक्ष यान के लिए खतरनाक है और अन्वेषण के लिए चुनौतियां पैदा करते हैं। भाग 5, एक खगोलीय दल, जुपिटर के कई चंद्रमा। जुपिटर के पास चंद्रमाओं की एक उल्लेखनीय प्रणाली है, जिनमें से अब तक 79 की पुष्टि हो चुकी है। ये चंद्रमा आकार, संरचना और इतिहास में बहुत भिन्न है। चार सबसे बड़े, जिन्हें गैलीलियन चंद्रमा के रूप में जाना जाता है, विशेष रूप से आकर्षक है। सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा गैनीमीड बुध ग्रह से भी बड़ा है। अपनी प्राचीन क्रेटर वाली सतह के साथ कलिस्टो में प्रारंभिक सौर मंडल के सुराग हो सकते हैं। सौर मंडल का सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला पिंड आईओ जुपिटर के विशाल गुरुत्वाकर्षण बल का प्रमाण है। और फिर है यूरोपा, एक बर्फीली दुनिया जिसमें एक उपसतह महासागर है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हो सकती हैं। भाग 6, द ग्रेट रेड स्पॉट, युगों तक चलने वाला तूफान। शायद जुपिटर की सबसे प्रतिष्ठित विशेषता द ग्रेट रेड स्पॉट है। ये विशाल तूफान सदियों से चल रहा है, पृथ्वी से भी बड़ा। द ग्रेट रेड स्पॉट बादलों और गैसों का एक घूमता हुआ भंवर है। माना जाता है कि इसका लाल रंग वातावरण में जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण होता है। वैज्ञानिक अभी भी द ग्रेट रेड स्पॉट के रहस्यों को उजागर कर रहे हैं, और यह इतने लंबे समय तक कैसे बना रहा। भाग 7, एक घूमता हुआ कैनवास, जुपिटर का अशांत वातावरण। जुपिटर का वातावरण एक गतिशील और अराजक जगह है। तेज हवाएं अविश्वसनीय गति से ग्रह के चारों ओर घूमती हैं, जिससे वे विशिष्ट बैंड और जोन बनते हैं जिन्हें हम देखते हैं। बादलों की अलग अलग रासायनिक संरचना और ऊंचाई के कारण ये बैंड अलग अलग रंग के होते हैं। जुपिटर का वातावरण कई अन्य तूफानों और भंवरों का भी घर है, जो समय के साथ लगातार विकसित और बदलते रहते हैं। भाग 8, हमारे सौर मंडल के रहस्यों को उजागर करना। हमारे सौर मंडल के निर्माण और विकास को समझने के लिए जुपिटर का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। एक गैस विशाल के रूप में जुपिटर प्रारंभिक सौर निहारिका के अवशेषों को संरक्षित करता है, जिससे ग्रह बने थे। इसकी संरचना और वातावरण का विश्लेषण करके वैज्ञानिक अरबों साल पहले मौजूद परिस्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सौर मंडल की गतिशीलता, इसकी चंद्रमा प्रणाली और इसके विशाल चुंबकीय क्षेत्र पर जुपिटर का प्रभाव समग्र रूप से ग्रह विज्ञान के लिए अमूल्य डेटा प्रदान करता है।